दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि बॉयलर फार्म में कैसे फैन कैलकुलेशन किया जाता है, और ये बॉयलर फार्म है और फीडिंग लाइन में क्या क्या दिक्कत आ सकता है हम आपको वीडियो में बताए थे। तो जो पीछे जो आपका सेंसर लगा हुआ है बांडे के पास, और बांडे के टॉप पर एक सेंसर लगा है, दो सेंसर लगा है, उसका वीडियो ऑलरेडी लोड कर चुके हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो वायरिंग चेक कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। और आज हम कंट्रोलर एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे कि हमारा स्मार्ट 10G का ये अपना कंट्रोलर है, और स्मार्ट 10D का जो कंट्रोलर है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको अगर जो ब्रूडिंग से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर जो सुपरवाइजर हैं या मुर्गी फार्म वाले हैं, आप लोग अगर जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों को ये नॉलेज इलेक्ट्रिकल का पैनल का होना ज़रूरी है। जैसे हमारा जो हॉपर है, इसकी कैपेसिटी 180 kg का है, और ये रहा मेरा इलेक्ट्रिकल पैनल। तो इलेक्ट्रिकल पैनल जो है, इसमें ऑटो में भी चलता है, मैनुअल में भी चलता है। इनकेस अगर ऑटो का कोई पार्ट्स खराब हो गया, फ्यूज खराब हो गया, तो ये मैनुअल में भी चलता है। अभी काम चालू है। ये फार्म का जो टोटल वर्ल्ड कैपेसिटी है 8000 है, 8000 इसमें बॉयलर निकल सकते हैं चूजे। तो हम चलिए ले चलते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल की तरफ, और हम आपको वायरिंग एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी के पास भी 10D स्मार्ट पैनल है, जैसे कि हम कंट्रोलर अपना दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ये रोटोम कंपनी का है, स्मार्ट 10D का है, और ये कैसे काम करता है, पैनल का कैसे वायरिंग है, ये सब आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर जो आपके पास भी ये कंट्रोलर है, अगर आप नॉलेज रखना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल से, तो वीडियो में बने रहें। कुछ नहीं तो क्या, हम आपको बहुत कुछ सिखाते रहेंगे एसी पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड। एक बात और कहना चाहेंगे, ये जो एसी पोल्ट्री फार्म है, ये ओपन फार्म से बहुत रिस्की होता है। रिस्की बोले तो ये चारों तरफ से क्लोज होता है, और ये ओपन फार्म की तरह नहीं होता है, चारों तरफ से क्लोज रहता है। और आपको वेंटिलेशन का नॉलेज नहीं है, कितने देर में कितना फैन मेरा चलना चाहिए। अगर ब्रूडिंग आप कर रहे हैं तो ब्रूडिंग के अकॉर्डिंग आपको कितना फैन चालू करना है, कौन सा फैन चालू करना है, आपको नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कत आएगा। और ब्रूडिंग के लिए हमारी कंपनी ने स्पेशल जो है ये टाइमर दे रखा है, 4 नंबर, यानी सेंटर का फैन। जैसे कि हम कैमरा घुमा के आपको दिखा दें, ये जो 7 फैन दिख रहे हैं आपको कैमरे में, मैं दिखा दूं, देखिए, तो A1, 2, 3, 4, ये बीच का जो फैन है, ये वाला, ये 4 नंबर है, और ये ब्रूडिंग के लिए स्पेशल रखा गया है। इसको हम लोग स्पेशल 4 नंबर टाइमर से कंट्रोल करते हैं। इसका भी टाइमर का भी वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे। जैसे आप देख रहे हैं इधर, टोटल टाइमर के अंदर 8 स्विच दिया गया है, ठीक है, इसको भी बताएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल इसका। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, ये मेरा स्विच है, स्विच जो है ऑटो और मैनुअल दोनों ऑप्शन दे रखा है, ये मैनुअल का है और ये ऑटो का है। इसी तरह से टोटल है, मैनुअल ऑटो, ये मेरा स्विच है। तो ये कैसे वर्क करता है ऑटो में, कैसे मैनुअल करता है, हम आपको वायरिंग सर्किट डायग्राम दिखाते हैं। जैसे ऑटो में है और ये मैनुअल में, ऑटो बोले तो ये हमारा कंट्रोलर कमांड करता है, ठीक है, ये स्मार्ट 10D का जो कंट्रोलर है ये कमांड करता है ऑटो में, यानी ऐसे करेंगे तो वो कंट्रोल करेगा, और जब ऐसे हम मैनुअल में डाल दिए तो हमारा डायरेक्ट इसे कंट्रोलर से कोई मतलब नहीं रहता है, डायरेक्ट हमारा ये टाइमर चलाता है, इसी से टोटल ऑपरेट होता है। और मेन स्विच होता है ये, ठीक है, ये स्विच जो होता है यही मेन होता है, यही जब इसको ऑन करेंगे तो टोटल पैनल के में सप्लाई चला जाएगा। जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे हमारा देखिए अभी स्टेबलाइजर में सप्लाई आ रहा है, ठीक है, और ये मेरा कोई भी स्विच चालू नहीं, ऊपर जैसे देख रहे हैं आप, कोई भी स्विच चालू नहीं है, ठीक है, सब MCB बंद है, कहीं भी सप्लाई नहीं आ रहा है अभी, और मेन MCB हम ऑन किए हैं, ठीक है, बंद कर दिए तो टोटल पैनल का लाइट कट जाएगा, लेकिन जैसे हम इसको चालू करेंगे तो अब देखिए सप्लाई कहाँ कहाँ जा रहा है। बात को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, यहाँ से जब हम चालू करते हैं तो हमारे बस बार टर्मिनल में जाता है, RYB न्यूट्रल, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ सप्लाई जाता है, आप देख सकते हैं, यहाँ से सप्लाई जो है डायरेक्ट जो है हमारा स्टेबलाइजर में जाता है,
ये देख लीजिए स्टेबलाइजर मेरा ऑन हो गया है, अभी पैनल के अंदर कोई भी स्विच ऑन नहीं है। अब जो है और स्टेबलाइजर का जो सप्लाई आया है वो हम दिखा रहे हैं, ये रहा कॉर्नर पर, ये स्टेबलाइजर है और स्टेबलाइजर का पॉइंट जो है देखिए यहाँ वायर है ये लगा हुआ है, ठीक है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है जो स्टेबलाइजर से आया हुआ है। तो इनपुट सप्लाई देख सकते हैं आप कहाँ से आया है, ये डायरेक्ट इनपुट सप्लाई जो है आपको आर में से आया है, एक फेस और एक न्यूट्रल, एक फेस एक न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ पर आया है और यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई इस स्टेबलाइजर को चला गया है और स्टेबलाइजर का जो आउटपुट है वो डायरेक्ट इसी के रास्ते होके आ रहा है, यहीं से देखिए वायर आया हुआ है ये वाला और ये वायर डायरेक्ट हमको इसमें आ रहा है मेल। अब यहाँ चेक करेंगे एमसीबी में तो देखिए लाइट बताएगा, टेस्टर देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है, ये मात्र 2 एम्पीयर का अपना एमसीबी है, यही टोटल पैनल को कमांड करता है, जैसे हम इसको चालू करेंगे टोटल सप्लाई आ जाएगा पैनल में, देखिए हम इसको ऑन कर रहे हैं तो टोटल पैनल में सप्लाई चला गया है, देखिए हमारा इसमें भी सप्लाई आ गया, पैनल मेरा ऑन हो गया है। अब हम चेक करते हैं इसका सप्लाई, जैसे आप देख रहे हैं ये सभी जो बस बार है हमारा सभी बस बार में से एक एक टर्मिनल RYB 3 फेज का है यहाँ पर आकर के रुका हुआ है, ठीक ऐसे ही सभी बस बार में RYB आकर के रुका हुआ है, जब तक MCB ऑन नहीं करेंगे तब तक सप्लाई नीचे नहीं आएगा। जैसे हम आपको चेक करके दिखा दें ये देखिए टेस्टर ग्लो हो रहा है लेकिन नीचे टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है, रीजन ये है कि MCB अभी ऑन नहीं है, जैसे MCB ऑन करेंगे वैसे सप्लाई नीचे आएगा और यही दो एक MCB दो कॉन्टेक्टर को कमांड कर रहा है, इसीलिए दो वायर लगा हुआ है, देखिए RRY BB, तो एक MCB दो कॉन्टेक्टर को कमांड कर रहा है, जैसे कॉन्टेक्टर देख रहे हैं यहाँ पर ये C1 है C2 है, फेरुल नंबर भी आप देख सकते हैं, जैसे या देखिए C1 है C2 है, ठीक है, तो एक MCB दो कॉन्टेक्टर को कमांड कर रहा है, जैसे MCB हम ऑन करेंगे इसका सप्लाई जो है दोनों कॉन्टेक्टर में आकर के स्टॉप रहेगा, चालू नहीं होगा, यहीं पर रुका रहेगा, सप्लाई नीचे टर्मिनल में नहीं जाएगा यानी यहाँ पर नहीं आएगा, और ये जो टर्मिनल है सेम वही टर्मिनल वायर हमारा यहाँ आया है, देखिए C1 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 C2 C2 C2, समझ गए, ये जब कॉन्टेक्टर मेरा चार्ज होता है तब यहाँ सप्लाई होता है, जैसे हम यहाँ दिखा दें अभी आपको सप्लाई यहाँ नहीं आ रहेगा, देखिए टेस्टर नहीं ग्लो कर रहा है, जैसे हम कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे वैसे यहाँ सप्लाई आ जाएगा और इधर मोटर को सप्लाई मिल जाएगा और मेरा मोटर चल देगा। अब चलिए यहाँ चेक करते हैं ऑन करते हैं, अगर फॉल्ट चेक करना है तो आप लोग ऐसे ही चेक करेंगे जैसे मैं समझा रहा हूँ, एमएमसी भी मैंने ऑन कर दिया तो अब देखेंगे सप्लाई यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, अब ये सप्लाई डायरेक्ट यहाँ भी आकर रुका हुआ है, ठीक है,